100 मिलियन डॉलर्स का नुकसान एंड 6 इनोसेंट लोगों की जान गई है इस खौफनाक हादसे में, जिसमें एक 300 मीटर लंबे जहाज ने यूएसए की बाल्टीमोर सिटी के फेमस फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के पिलर से टकरा कर उसे गिरा दिया। आइए जानते हैं सब कुछ इन डिटेल इस हादसे के बारे में। 26 मार्च 2024 को अराउंड सुबह के 1 बजे एमवी डाली नाम की कंटेनर शिप निकलती है बाल्टीमोर के पोर्ट से टूवर्ड्स कोलंबो श्रीलंका। सुबह 1:24 पर शिप पर पहला ब्लैकआउट देखा जाता है। ब्लैकआउट का मतलब है टोटल पावर लॉस, जिसमें शिप का इंजन भी बंद हो जाता है एंड स्टीयरिंग भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, जो कि इस केस में देखी। 1:25 शिप की पावर रिस्टोर की जाती है एंड 1:26 पे अगेन एक ब्लैकआउट देखा जाता है। 1:27 पर ये जहाज की ब्रिज के वन ऑफ द मेन सपोर्ट पिलर से टकरा कर उसे लिटरली चंद सेकंड्स में गिरा देता है। हादसे के समय 8 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ब्रिज की रोड पर ही गड्ढों को फिक्स कर रहे थे, जिसमें से 2 वर्कर्स को आईसी कोल्ड वाटर से रेस्क्यू किया गया एंड बाकी 6 वर्कर्स अभी तक स्टिल मिसिंग। बट शिप के कैप्टन ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने मेडे डिस्ट्रेस कॉल भेजा, जिसकी वजह से ट्रैफिक ऑफिशियल्स ने ब्रिज पर ट्रैफिक फ्लो को कम्प्लीटली रोक दिया, वरना ना जाने